नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज वो दिन जब 2021 में कोविड की अभूतपूर्व परिस्थितियों के बाद बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने। ये तीसरा बजट निर्मला सीतारमण का, लेकिन इसी के साथ क्या अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए जिन कदमों की बात हो रही थी वो दिखाई दी है? क्या इसके जरिए अर्थव्यवस्था में नए सिरे से एक बदलाव हम देखेंगे? इनकम टैक्स लैब में राहत नहीं मिलना क्या आम आदमी को, मिडिल क्लास को कहीं मायूस करता है? दूसरी तरफ जो तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या बैंक्स को लेकर हो, इन सब पर क्या है नजरिया? आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान सचिन पायलट, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। जयंत सिन्हा साहब, जो कि वित्त मामलों की बेहद अच्छी समझदारी रखते हैं और जानकारी रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। हेल्थ एंड वेलबींग। वित्त मंत्री ने कोरोना काल का पहला बजट पेश किया तो हेल्थ सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। इससे 70,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। हेल्थ सिस्टम्स, अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना विल बी लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ अबाउट 64,180 करोड़ over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems. बात जान की है तो जहान की भी। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बिल लाया जाएगा। इस पर खर्च 20,000 करोड़ रुपए होंगे ताकि 5,00,000 करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेगी। रेलवे भी फ्रंट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेगी। जितने भी सरकार के जमीनें हैं उसको बेचना और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है डिसइन्वेस्ट करना, यानी जो एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको भी निकालने की उन्होंने कोशिश कर रही है। तो ऐसा इस बजट में खासकर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। ओवरऑल मेरा विश्वास है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज आप देख रहे हैं, वैसे मैं जब मंत्री बना तो उस समय से आज के 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करीब 50-60% इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया है। और इस 5 साल में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबरी में होगा और कुछ हमारे 22 ग्रीन हाईवे जो बन रहे हैं वो इससे भी बेटर बनेंगे, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बने। मंझोले और छोटे उद्योग सेक्टरों के लिए भी बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए पहले के मुकाबले करीब करीब दोगुना बजट आवंटित किया गया है। पिछले साल 7,572 करोड़ दिए गए थे जबकि इस बार 15,700 करोड़ आवंटित किए गए हैं। एआई और मशीन लर्निंग पर जोर देने की बात की गई है, साथ ही छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी है। यह बजट सभी वर्गों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे बड़े उद्यमियों की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। हालांकि टैक्स को लेकर कुछ खास नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर कोरोना के बाद पहले बजट में हर क्षेत्र को मजबूत करने की मुकम्मल कोशिश है। आज तक ब्यूरो। तो चर्चा की शुरुआती कमेंट्स के साथ दोनों को दिखाइए, जयंत सिन्हा और सचिन पायलट जी। सचिन जी, इससे पहले कि क्या परेशानियां हैं इस बजट में उसका उस पर हम चर्चा करें,
तीन बड़ी बातें जयंत सिन्हा साहब, जिससे आप जनता को ये भरोसा दिला पाएं कि आपके इस बजट के जरिए अर्थव्यवस्था में जान आएगी, जो ये वी शेप रिकवरी का आप दावा कर रहे हैं, 11% पर पहुंचने का दावा कर रहे हैं, वो वाकई मुमकिन हो पाएगा। तीन बड़ी बातें, उसके बाद तीन ऐसी ही खामियां सचिन जी से पूछेंगे। एक तरफ वैक्सीन जो है वो हम लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए संजीवनी है और देश को संजीवनी दे रहा है, उसी प्रकार से आज बजट के द्वारा हम लोग अर्थव्यवस्था को संजीवनी दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बूस्टर रॉकेट है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। मैं आपको तीन विशेष बिंदु पर आपका ध्यान में आकर्षित कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, 34% की बढ़ोतरी हुई है और इसके द्वारा रोजगार को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा, सुधार के बहुत बड़े कदम लिए गए हैं जिसमें कि हम लोग बैंकों के सुधार के लिए हम लोग बहुत तेजी से जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग के सुधार के लिए और कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा वहां सुधार के लिए हम लोग बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो सुधार के बड़े ठोस कदम लिए गए हैं। और तीसरी बात वह है कि टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं आया है, जो आपके टैक्स रेट जो पहले थे वही आपके टैक्स रेट इस बार भी हैं, तो वो एक स्थिरता हम लोगों ने पूरे टैक्स सिस्टम में हम लोग लाए हैं। तो बड़े विश्वास से लोग भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं इस भरोसे के साथ कि टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं आया है, सरकार की तरफ से भरपूर खर्चे हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो सचिन जी वो तो कह रहे हैं कि संतोष इस बात से कर लीजिए कि टैक्स में हमने कोई इजाफा नहीं किया है, क्योंकि टैक्स लाभ का लोग लास्ट में इंतजार करते हैं कि शायद कुछ छूट कहीं पर मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स का जो उन्होंने जिक्र किया, आप भी इसकी प्रशंसा करेंगे या तीन खामियों के साथ शुरुआत करना चाहेंगे सचिन जी? नहीं, इनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाए, उसका पूरा देश बड़ा कृतज्ञ है इस सरकार का। सबसे बड़ी बात यह कि बजट हर फरवरी में हर साल आता है, लेकिन इस बार का बजट विशेष इसलिए था क्योंकि महामारी कोरोना की पूरे देश दुनिया में फैली हुई थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में कुछ ऐसा आएगा कि राहत उनको मिलेगी। और आप जानते हैं पिछले 11-10 महीने में सब कुछ बंद था, कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद, दुकान बंद, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र था जो चालू रहा, वो था कृषि क्षेत्र। किसानों ने खेती करना नहीं छोड़ा, इसीलिए आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। अगर उस कृषक और किसान की मदद हम आज नहीं कर रहे हैं तो कब करेंगे? मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर किसानों की राहत, क्योंकि माहौल जो देश में बना हुआ है कानूनों के खिलाफ, तो तीन कृषि कानून है, उसको देखते हुए कुछ मरहम लगाने का काम करेंगे, कुछ एमएसपी पर कुछ किसानों की मदद होगी, लेकिन उल्टा हुआ है। कृषि का बजट कम किया है और जो कृषि सम्मान योजना है उसमें बजट कम कर दिया। आप सेस लगा रहे हैं, सेस का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है अगर कृषि का बजट कम हो रहा है? ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ एक दुर्भाग्यवश उन्होंने एक स्टेटमेंट जो स्पीच में देखा कि कृषि को उन्होंने बहुत इग्नोर किया और आज किसान बहुत मायूस है। दूसरा, अब देखिए आप फर्क समझना पड़ेगा डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या फर्क है। अब आप हर चीज में LIC हो, BPCL हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवे हो, हर जगह, और ये वही बीजेपी है। जब विपक्ष में थे तो स्वदेशी जागरण मंच और नाना प्रकार के संगठन चिल्लाते थे कि आप क्यों कर रहे हैं। अब हर डिफेंस हो, इंश्योरेंस हो, अब हर जगह उसको बढ़ा रहे हैं। और आप मध्यम वर्ग जो आप आज सबसे ज्यादा, आप चाहे चीन हो चाहे अमरीका हो, हर सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा दिया है। अगर हम लोगों के हाथ में पैसा नहीं देंगे, गृहिणी जो घर में घर चलाती है उसके हाथ में पैसा आएगा, अतिरिक्त आय आएगी, तो खरीदारी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये लॉन्ग टर्म योजना बनी है, लोग आज पीड़ा में हैं, आज दुखी हैं, आज महामारी फैली हुई है, तो आज तुरंत राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। और मैं मानता हूं कि ये बजट जो है उम्मीदों के बहुत दूर रह गया और ले दे के सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है और किसानों को लेकर इतनी बड़ी चुप्पी साधी गई है इतने नकारात्मक वातावरण बनने के बाद भी। तो ये मैं समझता हूँ सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही है। ठीक है, चलिए जयन जी अब क्रॉस फायर शुरू करते हैं। सवाल ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर न सिर्फ लेफ्ट पार्टियां बल्कि आप देख ही रहे हैं सचिन जी भी, कांग्रेस पार्टी भी जमकर आप पर बरस रही है। सेल ही सेल, और सेल ही सेल एक ऐसे वक्त पर जब माना जा रहा है कि सरकार के पास पैसे की कमी है, डिस्ट्रेस सेल की तरह इसे देखा जा रहा है। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई थी? ये डिसइन्वेस्टमेंट एक मजबूरी थी क्या? और दूसरी बात, एयर इंडिया हो सर, भारत पेट्रो हो, अभी तक उसी का डिसइन्वेस्टमेंट जो पिछली बार आपका टारगेट था उसमें आप 20,000 करोड़ बेच पाए,
आपने टारगेट सेट किया था 2.1 लाख करोड़ का, अब आपने फिर ऐसा ही एक टारगेट सेट कर लिया है, खरीदेगा कौन? डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा अंजना जी हम लोग अर्थव्यवस्था को और रफ्तार दे रहे हैं, क्योंकि जो कंपनियां अभी सरकार के पास हैं अगर वो निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा, उनकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, और वो हम लोगों ने हर क्षेत्र में देखा है जब ये परिवर्तन आया है, टेलीकॉम में देख लीजिए, एविएशन में देख लीजिए, बैंकिंग में देख लीजिए, जहां जहां कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में है वहां निवेश भी ज्यादा आता है, रोजगार भी होता है और बड़े एफिशिएंसी से वो सेक्टर आगे बढ़ता है। तो इससे डिसइन्वेस्टमेंट से हम लोग अर्थव्यवस्था को और ताकत दे रहे हैं, ये इसका मकसद है, ये लक्ष्य है इसका। साथ साथ आपको मालूम ही है और जैसे अभी सचिन जी ने कहा भी, पिछले साल कोरोना महामारी का समय था और इस कारण डिसइन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था क्योंकि सब शेयर बाजार वगैरह में मंदी आई हुई थी। अब वो परिवर्तित हो गए हैं, सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए अब समय अनुकूल है जब हम लोग इस प्रकार का डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जब डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये कंपनियां जो हैं और भी बेहतर होंगी और हमें और बेहतर सेवाएं देंगी, और जो हम लोगों को इसके द्वारा जो रियलाइजेशन आएगा, जो हमें इसके द्वारा पूंजी मिलेगी, वो पूंजी हम लोग अपने किसानों को, अपने गृहिणी को, अपने युवाओं को दे सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में दे सकते हैं और वहां और लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो विचारधारा और सिद्धांतों की बात आ जाती है, जहां कांग्रेस में जो हमारे साथी हैं वो हरदम कहते हैं कि आप पैसे दीजिए, हमने पैसे दिए भी हैं, आपको मालूम है कि जनधन खाते के द्वारा और किसान सम्मान निधि के द्वारा 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने इस कोरोना महामारी के दरमियान हम लोगों ने दिया है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि प्रभावशाली सिर्फ पैसे देने से कोई नीति नहीं बनती है, लेकिन प्रभावशाली नीति तब बनती है जब हम रोजगार देते हैं लोगों को, जब अच्छे जब नौकरियां मिलती हैं, उनकी कमाई बढ़ती है, उनके स्किल्स बढ़ते हैं, तब हम लोग भविष्य के लिए अपने देश को और हम लोग आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बना सकते हैं। इसलिए ये सिद्धांतों का एक ये बहस है, क्योंकि उनकी तरफ से ये लोग सिर्फ पैसे खर्च करना जानते हैं, हम लोग जो हैं, जो हम लोग इनको रोजगार भी देना जानते हैं और अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त और मजबूत भी बनाना जानते हैं, और वो हम लोगों ने किया भी है। ठीक है, ठीक है, किसानों के मुद्दे पर भी और ये जो कृषि सेस आपने लगाया है उस पर भी आएंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि इस एक एक टॉपिक पर हम लोग पहले काउंटर क्वेश्चंस एक दूसरे से कर लें फिर आगे बढ़े। तो डिसइन्वेस्टमेंट पर ही वापस आते हुए सचिन पायलट जी, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी लेकर आई डिसइन्वेस्टमेंट, और हिंदुस्तान में ऐसी तमाम पीएसयूज है जिन पर टैक्सपेयर का पैसा लगता है और वो बर्बाद होता है। तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं और कांग्रेस भी करती रही विनिवेश, बीजेपी तो लेकर आई नहीं है इंडिया में। '91 का जो बजट था अंजना जी, उस समय कांग्रेस की सरकार ने इकोनॉमी को खोला, लिबरलाइज किया, और मैंने शुरू में कहा कि फर्क समझना पड़ेगा डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और निजीकरण क्या है। एक तरफ आपने जो पॉलिटिकल स्टैंड था बीजेपी का जब विपक्ष में थे तो बड़ा स्पष्ट था कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर नाना प्रकार के आरोप हमारे पर लगाए। अब जब अर्थव्यवस्था कमजोर है, जब हमारा जो हमारी फैमिली ज्वेलरी है, जो हमारा सबसे बड़ी संपत्ति जनता की, उसको इस प्रकार आप टारगेट सेट कर रहे हैं और फिर बेच नहीं पा रहे हैं, इससे कमजोरी दिखती है। और मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप डिसइन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन उस पैसे का जो आप जैसे सेना जी ने कहा कि पैसा जो आएगा वो खर्च कहां पे हो रहा है, आपने 2 लाख करोड़ रुपए तो अभी बोरो किया है, 9.5% आपका फिस्कल डेफिसिट है जो ऐतिहासिक है, पिछले 30 साल में कभी इतना डेफिसिट आया नहीं, और ये बोलना कि सिर्फ कोरोना की वजह से पेंडेमिक था इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे, मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि इस बजट तो हर साल आता है, इस साल विशेष इसलिए क्योंकि लोग उम्मीद करते थे अगर कठिन समय में आप अपने कार्यकुशलता नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका फिर, और ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई दबाव किसी का नहीं है, मनमाना अपना कर रहे हैं, जैसा नोटबंदी हो, जीएसटी हो, मनमानी करते हैं, इसमें क्यों नहीं मनमानी करते हैं? आप बोलिए कि हर किसान को हम देंगे, हर जो हमारा मध्यम वर्ग उसको मदद करेंगे, इस पूरे बजट में सिर्फ रेल, एयरपोर्ट, रोडवेज, ऑयल कंपनीज, पीएसयूज, एयरलाइंस, कैसे हम जल्दी बेचें इसको, इसमें लगा हुआ है, आपने जो डिविडेंड है वो ले रखा है, आपने आरबीआई से एडवांस ले रखा है, तो पूरी अर्थव्यवस्था का इतना खर्चा हम लोग कर रहे हैं लेकिन अभी भी आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं आया है। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम इज नॉट द आंसर। ठीक है, इसी पर अब जल्दी से जवाब ले लेते हैं और खास तौर पर किसानों पर, किसानों के मुद्दे पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए आपको इसी मुद्दे पर घेर रही है, लेकिन उसका घेरना एक हद तक ही मायने रखता है। बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो आपकी सरकार को घेरने में कामयाब रहे हैं
और जैन जी इससे आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं। उनका कहना है सचिन जी का, ये एक मौका था, 303 वाली आपकी पार्टी तो मनमानी करती है, ये वो कह रहे हैं, फिर कुछ मनमानी करके कर ही देते कुछ किसानों के लिए ताकि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आती। अंजना जी, अगर आप लोकतंत्र को मनमानी कहते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं उसके बारे में। ये तो लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में आपकी बहुमत है सदन में तो आपकी नीतियां तो आएंगी ही, आपका बजट तो आएगा ही, ये तो लोकतंत्र इसको कहते हैं। और अभी राजस्थान में सचिन जी की सरकार है, वहां वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में अगर उनकी मेजोरिटी है, बहुमत है, तो वो लोग अपनी नीतियां बनाएंगे। लोकतंत्र तो इसी तरीके से चलता है, इसे मनमानी नहीं कही जा सकती है। साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम लोगों ने लोगों के हाथों में जनधन के द्वारा, किसान सम्मान निधि के द्वारा, जैसे मैंने पहले कहा, 1,00,000 करोड़ सीधा उनको हम लोगों ने दिया, 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने राशन दिया। तो जब जरूरत थी कि लोगों को हम लोग बचाएं, लोगों को पूरी तरीके से सहयोग दें लॉकडाउन के समय, वो हमने किया। अब जरूरत है अंजना जी रोजगार की, अब जरूरत है कि अर्थव्यवस्था को हम लोग प्रोत्साहन दें, निवेश हो। और अगर आप इस बजट को देखें, बड़ी कुशलता से माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को तैयार किया है और हम लोगों ने खर्चे जो सही जो क्षेत्र हैं वहां हम लोग खर्चे इस बार कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में, जो सचिन जी ने भी इस बात को उठाया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण के दरमियान बताया कि कैसे कैसे एमएसपी, जिसको हम लोगों ने 1.5 गुना बनाया हुआ है कॉस्ट पे, 150% जो आपके कॉस्ट हो उसका एमएसपी हम लोग देंगे, कि एमएसपी के द्वारा और जो प्रोक्योरमेंट हम लोगों का हो रहा है किस प्रकार से, चाहे वो हम गेहूं लें, चाहे हम उसको धान लें, चाहे हम उसको दाल में देखें, या और भी जो 22 पेरिशेबल क्रॉप्स हैं जो एमएसपी के दायरे में आती हैं, कि कितना अब इसमें खर्चा हो रहा है। जहां पहले बिल्कुल खर्चे, दाल में तो कोई खर्चा ही नहीं था, कोई सरकार खरीद ही नहीं रही थी, कॉटन भी कोई खरीद ही नहीं रही थी, अब हम लोग 10,000 करोड़ का दाल ही हम लोग खरीद रहे हैं। तो किसानों को ये सब पैसे तो जा ही रहे हैं ना, और किसान सम्मान निधि के द्वारा भी सब पैसे जा रहे हैं, फर्टिलाइजर की भी जो सब जो प्राइसेस हैं, दाम है, उसको भी हम लोग एकदम नियंत्रण में रखे हुए हैं। तो एक तरफ एमएसपी को बढ़ाते चले गए हैं, किसान सम्मान निधि के द्वारा उन लोगों को हम लोग बहुत सारा साधन हम लोगों ने दिया ही है, और साथ साथ हम लोगों ने जो भी उनके इनपुट्स होते हैं, जो भी उनको जरूरत पड़ती है अपने कृषि क्षेत्र के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने एकदम रोक लगाई हुई है। इसलिए कृषि जो है उस क्षेत्र में और किसानों खासकर उनकी आय को हम लोगों ने इस प्रकार से बढ़ा दिया है। ठीक है, इस पर एक काउंटर जवाब जल्दी से सचिन जी से ले लेते हैं, फिर हम अगले मुद्दे पर जो वी शेप रिकवरी का दावा है उस पर जाएंगे। जल्दी से सचिन जी। तो जैन जी बोल रहे हैं कि किसानों को बहुत कुछ दिया है, तो किसी पे एहसान तो किया नहीं है। दूसरी बात, अगर किसान इतने खुश होते तो सड़कों पे क्यों बैठे होते? और जहां तक इन्होंने कहा, आप 7 साल हो गए सरकार को, इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मुझे तो कोई एक किसान पूरे देश में मिला नहीं जिसकी आमदनी दुगनी हो गई हो। और ये सब बोलने की बातें, धरातल पर कुछ नहीं है। आज पेट्रोल जो है वो देसी घी जितना महंगा हो गया है, जितने का देसी घी आता है उतने का पेट्रोल बिक रहा है, आपका गैस सिलेंडर के क्या दाम हो गए। तो किसान भी तो डीजल पेट्रोल कंज्यूम करता है ना, उसकी जेब में कितना प्रहार हो रहा है कोई कल्पना कर सकता है? आज गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, निवेश घट रहा है। मुझे बताइए कौन सा ऐसी दिशा है जहां पर आप कहें कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है, और 7 साल से लगातार आपकी सरकार है। आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि साहब मौका नहीं मिला, टाइम कम था, पूरा आपके पास मनमानी की बात ही मैं कर रहा हूं, लेकिन बहुमत का ये मतलब नहीं है कि आप विपक्ष से बात ही नहीं करेंगे, आप कंसेंसस नहीं बनाएंगे, आपको जो ठीक लगे आप वो करेंगे, अपनी बात से मुकर जाएंगे। इन सब बातों को लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, वी शेप रिकवरी पर जाने से पहले, लेकिन चूंकि पेट्रोल डीजल की बात आई है, देखिए 69% पेट्रोल पर आपका टैक्सेशन है, 58% डीजल पर, अब ये ऊपर से सेस भी आपने शुरू कर दिया है कृषि सेस, क्या ये ग्राहक को बेयर करना होगा? इस पर क्लैरिटी नहीं है जयंत जी, अगर आप क्लैरिटी दे सके। ऑल टाइम हाई पर है पेट्रोल डीजल की कीमतें, हालांकि बजट में उसका लेना नहीं है, लेकिन टैक्सेशन एक स्पष्टीकरण है ना, इसका सेस लगाया आपने दोनों पर। अंजना जी, मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो एग्री सेस है उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनको बढ़ाए हैं।
पेट्रोल डीजल में कुछ जो सेस पहले लग रहा था उसको हम लोगों ने लेकर एग्री सेस में हम लोगों ने उसको लिया है, लेकिन ग्राहकों का दाम इसके कारण बिल्कुल नहीं बढ़ा है। जितने पहले थे सेसेस और टैक्सेस वगैरह उतने ही हैं, लेकिन उनको हम लोग एक तरफ से ले जाकर उसको एग्री सेस में हम लोगों ने कर दिया, सिर्फ इतना ही हुआ है, लेकिन ग्राहकों को इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। और ये जरूरी है कि हम लोग पेट्रोल और डीजल जो है इसको हम लोग थोड़ा ठीक रखें। तो ये सेस के लिए जो पैसा जाएगा सर प्रति लीटर, एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है जयंत जी, क्या जो ये पैसा फिर जाएगा प्रति लीटर ये कंपनियों से लेंगे? हाँ, जी मैं समझाता हूँ। नहीं नहीं, जो पैसा अभी जा रहा है आप समझिए कि जो विश्व का जो बाजार है उसमें पेट्रोल डीजल का अगर भाव 100 रुपए था, मतलब उदाहरण के तौर पे, नहीं नहीं सुन लीजिए 100 रुपए का अगर था उसके ऊपर अगर आप लगाएं तो आप कह दें कि चलिए 50 रुपए के उस पर टैक्सेस थे, उस 50 रुपए के जो टैक्स थे उसमें से हम लोग कुछ पैसे ले जाकर हम लोग फिर एग्री सेस में दे रहे हैं, पर 50 में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जो पहले था उतना ही है, उसमें से सिर्फ हम लोग कुछ लेकर हम लोग एग्री सेस के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सेस बढ़ाया है, जो सेस था वही है, उसको बस हम लोग एक दूसरे हम लोग उसको जगह ले जा रहे हैं, यही इसमें परिवर्तन हुआ है, और कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। इसका स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है लोग, क्योंकि लोगों को ये संदेह है कि जो है दाम वो बढ़ने वाले हैं। और जहां तक अगर पेट्रोल डीजल के दाम की बात हम करें, वो अगर दाम इस समय बढ़ रहे हैं वो इसलिए में बढ़ रहे हैं क्योंकि विश्व के बाजार में पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वी शेप रिकवरी ना सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व भर में हो रही है, और जैसे रिकवरी होती है तो स्वाभाविक है कि पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो बढ़ता चला जाएगा, और इस कारण पेट्रोल डीजल का दाम जो है थोड़ा बहुत अभी हाल में बढ़ा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसको और बढ़ाया जाएगा और सेस के साथ, वो सेस उतना ही रहेगा, उस सेस का हम लोग कुछ हम लोग कृषि क्षेत्र में दे रहे हैं, और जैसे सचिन जी मांग भी रहे थे और चाह भी रहे हैं वो हम लोग उसको किसानों को दे रहे हैं, जिसमें किसानों की और हम लोग इस तरीके से विकास कर सके। ठीक है, चलिए अब वी शेप्ड रिकवरी पर आते हैं जरा, जिसका दावा कुछ दिनों पहले जब गृह मंत्री अमित शाह ने किया था तब से ही उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, और आज एक बार फिर से जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के जरिए भी सामने बात कही गई थी उस पर देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है जयंत जी कि 2018-19 में हमारी ग्रोथ पहुंच गई थी लगभग 6.5%, उसके बाद 19-20 में हम पहुंच गए थे 4%, और ये सब प्री कोविड है, कोविड के पहले, उसके बाद तो जो हम गिरे तो नेगेटिव में चले गए, 7.7 हम नीचे गए। अब कह रहे हैं कि जब आप सीढ़ियों से नीचे गिर गए हैं बिल्कुल, अब आप थोड़ा सा ऊपर उठ के वापस आ रहे हैं, तो आप पूरा को ऐड करके कह रहे हैं कि हम 11% ऊपर बढ़ेंगे, जबकि आप तो सिर्फ जो गड्ढे में गिरे थे उसको ही ऊपर भर पाएंगे। उनका कहना है ये वी शेप्ड रिकवरी नहीं है, आप बड़े ही मतलब कुछ ही आंकड़े आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो आप गड्ढे में वापस चढ़ रहे हैं जो आप गिरे थे। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि कोविड की जो महामारी थी वो विश्व भर में दिसंबर से चालू हो चुकी थी, तो अगर आप दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च देखें तो 4 महीने जो पिछले साल के थे वो कोविड से प्रभावित थे, इसलिए पिछले साल में जो हम लोग सोच रहे थे कि 5-6% हम लोगों की वृद्धि होगी वो नहीं हुआ, वो 4% ही हुआ, लेकिन वो भी कोविड से प्रभावित थी। और जिस तरीके से हमारे देश में रिकवरी हो रही है आपको विश्व भर में इसको देखना पड़ेगा, और हर देश के साथ हम लोगों का जो है मुकाबला आपको करना चाहिए। आप अगर विश्व भर में देखें तो आप देखें कि और देशों में ये इस प्रकार की वी-शेप रिकवरी नहीं हो पा रही है, वहां उन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, और वहां लोग बोल रहे हैं कि डब्ल्यू टाइप की रिकवरी हो रही है या और किस्म के टाइप की रिकवरी हो रही है, वी-शेप रिकवरी नहीं हो रही है। तो क्योंकि हम लोगों ने बड़ी कुशलता से इस महामारी को हम लोगों ने संभाला है, लॉकडाउन के द्वारा हम लोगों ने जान बचाई है, वैक्सीन के द्वारा अब लोगों को इम्यूनिटी हम लोग दिलवा रहे हैं, इसलिए वी शेप रिकवरी हो रही है। लेकिन विश्व भर में वी शेप रिकवरी नहीं हो रही है, इसे हम लोग जो है और देशों के तुलना में हम लोगों को समझना चाहिए, और इसलिए ये प्रशंसनीय है और इसलिए ये एकदम अतुल्य है, क्योंकि और देशों में इस प्रकार की वी शेप रिकवरी नहीं हो रही है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पर आपका टेक, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि के शेप है, दरअसल जो अमीर है वो तो रिकवर करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है लेकिन जो गरीब है वो नीचे की तरफ ही धसता चला गया है, और उसके लिए जितने आउट ऑफ द बॉक्स कदम शायद उठने चाहिए थे बजट में वो नहीं है। सचिन जी,
पूरी दुनिया में जितनी स्टडीज हुई हैं उस बात को दिखलाती हैं कि जो आप रिकवरी की बात कर रहे हैं ये बहुत शब्दों का जाल है, के शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप। जो अमीर थे वो बहुत अमीर हो गए, जो मध्यम वर्ग थे वो गरीबी की तरफ पहुंच गए, और जो गरीब थे उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अब शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज का क्या हो रहा है, वो अलग विषय है। मेरे लिए रिकवरी तब होगी जब इस देश में कुपोषित बच्चों की संख्या कम होगी, इस देश में हमारे किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, हमारे यहाँ मिड डे मील है, एससी एसटी है, ट्राइबल है, दूर दराज के लोग हैं, उन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो इकोनॉमिक रिकवरी है। चंद लोग अमीर बनेंगे और हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो जिनी कोफिशियंट है वो देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो लगातार बढ़ रही है। महामारी में हर अखबार ने लिखा, हर एजेंसी ने कहा कि जो अमीर तबका था वो बहुत अमीर हो गया और जो गरीब था वो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे है। तो अब रिकवरी अगर कर भी रहे हैं तो किसी सेक्टर में हो या सिर्फ शेयर मार्केट में हो या 10-50-20 लोगों की हो, वो नाकाफी है। रिकवरी तब है जब बच्चे हमारे कुपोषित नहीं होंगे, किसान हमारे समृद्ध होंगे, मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आएगा। आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप नौकरियां छट रही हैं, आप नरेगा पर निर्भर कर रहे हैं जिसको आप बहुत दुत्कारते थे, तो रिकवरी किस प्रकार की हो रही है? सिर्फ आंकड़ों का जाल है, के शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप, एल शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। धरातल पर जो वास्तविकता है उससे हमको मुकाबला करना पड़ेगा। और ये कहना कि किसी अन्य देश में नहीं हो पा रहा है, क्या मतलब है? हमारे देश में नौजवान है, पढ़े लिखे हैं। महामारी जैसी परिस्थितियां भी तो सदी में एक बार आती है ना। अभूतपूर्व परिस्थितियां थी या नहीं, आप मानते हैं या नहीं? अभूतपूर्व थी, संकट पूरे विश्व पर था। बिल्कुल मानता हूँ, अभूतपूर्व। अभी वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, डेस्परेट सिचुएशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। ये कोई डेस्परेट मेजर नहीं था, ये जो बजट था ये सिर्फ लिपापोती वाला काम था। आपने इस बजट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए था, बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए थे, गरीबों के खातों में पैसा देते, किसानों को हाथ में पैसा देते, फसल खरीद करते। आपने जो कृषि के सेस लगाने की बात कर रहे हैं हमारे मित्र सिन्हा साहब, ये जो बड़ चतुराई है, सुनिएगा, जो सेस की बात कर रहे हैं, जो ड्यूटी थी वो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में बंटता है, इन्होंने उसका नाम सेस रख दिया ताकि राज्य सरकार को ना देना पड़े, सारा पैसा केंद्र रखेगी। जो इतना जो 20-30 रुपए डॉलर था तेल का दाम, उस समय खरबों रुपए, हजारों लाख रुपए की आमदनी सरकार को हुई, कि आपने आम आदमी को पास ऑन करी, वो नहीं करी। आप अपना पैसा बनाए जा रहे हैं, वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? आप हवाई जहाज ले रहे हैं, आप पार्लियामेंट नई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप स्टैचू बना रहे हैं 3,000 करोड़ रुपए के, तो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं देखना पड़ेगा ना आपको। आप स्टेट गवर्नमेंट्स का पैसा नहीं दे रहे, हमारी सरकार को पैसा नहीं दिया 15,000 करोड़ रुपए। तो ये हर चीज की पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन इस इकोनॉमी को सुधारने के लिए आपको भूलना पड़ेगा कि कौन सरकार है, कौन विपक्ष है। आप लोगों को आम आदमी की चिंता करनी पड़ेगी और जो गरीब तबका है उसकी चिंता करें, ना सिर्फ अमीरों की। ये सरकार को समझना पड़ेगा। 2021 का बजट आया, क्या लाया आम आदमी के लिए, इसी पर आप चर्चा देख रहे हैं। और आज विशेष पेशकश आप देख रहे हैं दिन भर बजट का, आज तक जो एक मॉल से आपके लिए ला रहा है। अलग अलग हिस्सों में भी हम गए थे, क्या कुछ आम आदमी की जिंदगी पर असर होगा, इन सब पर आप लगातार कवरेज देख रहे हैं। लेकिन दो तीन बड़ी बातें जो सचिन पायलट जी कही गई हैं, वो ये कहना है सरकार का कि हम ईज ऑफ लिविंग ला रहे हैं। उनका कहना है अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कैसे घर का सपना हर किसी का होता है उसको हम मुमकिन करा रहे हैं, और इन सब के जरिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हम सीधा हाथ में पैसा नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो पैसे को कमाने के सक्षम बने। कौन सा वो बोल्ड स्टेप है जो आप देखना चाहते थे और नहीं हुआ? देखिए, जो बहुत सारे नारे दिए गए, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, गेट अप इंडिया, इतने सारे नारे दिए जा रहे हैं। अब आप मुझे कह रही हैं कि सरकार का कहना है कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हिस्टोरिकली हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर आज। तो आपने 7 साल में जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, उसका क्या हुआ? और मुझे लगता नहीं कि इस बजट के माध्यम से कहीं बेरोजगारी में कमी आने वाली है। बड़ा दुख है मुझे इस बात का, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी। आपने पूछा बोल्ड स्टेप्स क्या हो सकते थे। बोल्ड स्टेप लेती सरकार कि जीएसटी का एक स्लैब कर देती, लोगों को राहत मिलती, मध्यम वर्ग को, जो लघु उद्योग करने वाले उनको, दुकानदारों को फायदा मिलता। जीएसटी को कॉम्प्लिकेट किया गया है, मल्टीपल स्लैब्स बनाए गए, मनमानी से ऊपर नीचे होता रहता, एक स्लैब कर दीजिएगा आप। आप जो किसान हमारे हैं, जो कृषि वर्ग है, जो खासकर जो सीमांत किसान है, उसकी परचेज 100% एमएसपी गारंटी आप कर दीजिएगा। और जितने देश में लोग हैं, चीन ने किया, अमेरिका ने किया, इंग्लैंड ने किया, आप लोगों को खुद पैसा दीजिएगा, वो अपने आप, उनके घर में जब पैसा आएगा वो खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, अपने आप मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिलेगा। लेकिन आप सेस लगा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, निवेश कर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन बोल्ड स्टेप फॉर पॉवर्टी एलिविएशन और जॉब क्रिएशन,
वो मुझे इस बजट में नहीं दिखा। ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, गोल्स हैं, हम ये करेंगे, दो साल बाद, चार साल बाद फंड बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उससे हाल जो इस फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें कहीं इमीडिएट लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है जैन जी, तीनों चारों बात जो उन्होंने कही है उसका सिलसिलेवार ढंग से आप जवाब दें। और देखिए, अगर डेस्परेट सिचुएशंस रिक्वायर्ड डेस्परेट मेजर, तो ऐसा कुछ बड़ा तो दिख नहीं रहा है सर। मतलब आप ही अगर समझा दे तो हम लोग शायद यकीन कर ले, लेकिन ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बड़ा आपने नहीं किया है जैसा हमने एक वक्त पर लिबरलाइजेशन के साथ देखा था एक जबरदस्त संकट से उभरने के लिए। हम लोगों ने बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम लिए हैं पिछले साल भी और इस बजट के द्वारा भी। आप समझ लीजिए कि पहले फिस्कल डेफिसिट 9.5% का और फिर अगले वर्ष का 6.8% का कभी इतिहास में कभी देखा ही नहीं गया है। तो इस प्रकार से खर्चा करना, और वो भी खर्चा राहत देने के लिए, जो हम लोगों ने गरीब कल्याण योजना के तहत किया, जनधन में पैसे दिए, किसान सम्मान निधि में दिए, राशन में दिए, नरेगा में दिए, राहत के लिए दिए, वो तो हम लोगों ने दिया ही। लेकिन साथ साथ, और मैं यहाँ सचिन जी को समझाना चाहता हूँ, उनको मालूम भी है कि जब आप खर्चे ना सिर्फ लोगों के हाथ में दें लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में दें तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी को एक रुपए दें तो वो एक रुपए का खर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम लोग एक रुपए दें एक रोड बनाने के लिए या पुल बनाने के लिए या एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो उस एक रुपए का जो प्रभाव होता है वो एक रुपए का नहीं होता है, वो 3-4 एयरपोर्ट और रेलवे की अगर हम बात करें तो 6 रुपए का प्रभाव होता है। तो इसलिए जो सरकार है बहुत कुशलता से और बड़े बुद्धि से उन्होंने खर्चे जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में दिए हैं, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया है, हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए हैं, जहां उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो सिर्फ 1 रुपए का नहीं है, 5 या 6 रुपए का है। तो इसलिए हम लोगों ने जहां जहां हम लोगों को टैक्स का उपयोग करना था हमने टैक्स का उपयोग किया, जहां जहां हम लोगों को डिसइन्वेस्टमेंट करना था वहां हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट की और बहुत सोच विचार करके किया, और उन्हीं साधनों के साथ हम लोगों ने जो निवेश किया है वो निवेश ऐसा है कि अर्थव्यवस्था में बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। और जहां तक रोजगार का सवाल है, आपको मालूम है कि जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करते हैं तो वहां बहुत सारे रोजगार के माध्यम जो है उनका सृजन होता है। कोई निर्माण करता है तो कोई बालू देता है तो कोई स्टोन चिप्स देता है, तो इसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सृजन बहुत होते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में भी होते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है ये रोजगार देने वाला खर्चा है और इस पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे खर्चा। प्रत्यक्ष कदम क्या है रोजगार सृजन के लिए, ये विपक्ष का पूछना है, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है सर, वो तो हर बजट में होता है और जब से आजादी हुई है तब से हो रहा है ना। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो तो रोजगार बढ़ता ही है, लेकिन क्या प्रत्यक्ष रूप से आपने अलग कदम रोजगार के लिए उठाए हैं इसका भी जवाब दीजिएगा। अब जरा हम इस बात पर भी आते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के लिए जो विदेशी मोबाइल है, विदेशी चार्जर है, विदेशी कपड़ा है, उस पर ड्यूटी बढ़ाई गई है, यानी वो महंगा होगा, क्या इससे मेड इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा? क्या वाकई ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं? दोनों विषयों पर अगर जल्दी से आप कमेंट करें, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को सरकार बहुत पुश करती रही है और मोबाइल हम इतने देश के अंदर बना रहे, हिंदुस्तानी कंपनियां इतनी ज्यादा है, इनको बूस्ट मिलेगा इस कदम से जब हम ड्यूटी बढ़ाते हैं विदेशी मोबाइलों पर? तो ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है और जो हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हम लोग मोबाइल सेक्टर में दे रहे हैं उसके द्वारा बहुत रोजगार आएंगे। ठीक है सचिन जी, आप इसका जवाब दें, उसके बाद से जैन जी मैं आपसे पूछूंगी। जी सचिन जी, मेरा तो एक ही कमेंट है अंजना जी कि जो सिन्हा साहब जो बोल रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा, टैक्स का पैसा, सरकार का पैसा लगाओ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जब आप वो एयरपोर्ट और रेलवे और हवाई पोर्ट बना लेंगे फिर आप उसको डिसइन्वेस्ट कर दीजिएगा, फिर निजी हाथों में चला जाएगा। तो वो उसका समझ नहीं पा रहा हूं मैं, बड़ी विडंबना है कि आप पैसा लोगों को देना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना ज्यादा लाभदायक है। आपने बना दिया एयरपोर्ट पोर्ट, फिर कैसा ठीक से चल नहीं रहा, इसको हम किसी प्राइवेट हाथ में दे देते हैं, तो सरकार का पैसा फिर सीधा प्राइवेट हाथ में चला गया ना। निवेश क्या होता है कि प्राइवेट व्यक्ति बोले मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा अपने पैसे से,
दैट इज इन्वेस्टमेंट। सरकार के पैसे से आप रोड बनाओ और फिर किसी निधि आदमी को दे दो, ये तो सरकार का पैसा आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं ना। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके पास आज पैसे की किल्लत है, जो डिस्पेंसेबल इनकम है, जो कैश एट हैंड होता है, जब अगर वो हाथ में आएगा तो वो रोजमर्रा के साबुन तेल कपड़े जूते चप्पल लेगा तो इकोनॉमी में पुश आएगा, वो हम कर नहीं रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म स्पेंड कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो एसेट क्रिएट होगा वो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। बोली साहब ये पोर्ट में नुकसान हो रहा है, जैसे बीएसएनएल में हो रहा है या बीपीसीएल में हो रहा है, फिर कहें अब ये इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे 10-5 साल के बाद। तो सरकार का इन्वेस्टमेंट निजी हाथ में चला गया और आम आदमी को कुछ नहीं मिला इसमें। ठीक है, इसका भी जवाब दीजिए जो वो कह रहे हैं कि आपने कुछ बनाया और उसके बाद से फिर आप बेचने की कर लेंगे क्योंकि आपसे संभलेगा नहीं। और इसी के साथ एक सेंस ये आ रहा है जैन जी कि जो इमीडिएट बूस्ट जो वैक्सीन जैसे कोविड के लिए चाहिए होती है संजीवनी बूटी, वो नहीं है। आपने कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए हैं लेकिन इसका असर आते आते देर ना हो जाए। मैं एक चीज सचिन जी को समझाना चाहूंगा कि अगर सरकार 100 रुपए का निवेश करके एक एयरपोर्ट को बनाती है तो उसे फिर वो 200 रुपए का बेचती है और जो 100 रुपए का जो हमें मुनाफा मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उस पैसे से हम लोग फिर लोगों के लाभ के लिए लोगों को सेवाएं देते हैं। इसी प्रकार से एसेट मोनेटाइजेशन होता है सचिन जी। अगर हमने 100 रुपए का उसको बनाया तो हम उसको 125 रुपए का नहीं बेचते हैं, हम उसको 200 रुपए का बेचते हैं। और अगर आप जाके इतिहास में देखें तो आप देखेंगे कि सरकार एयर इंडिया का आप लोगों ने ठीक तरीके से संभाला नहीं है, इसलिए एयर इंडिया में हम लोगों को समस्या हुई है। एयर इंडिया की लंबी कहानी अगर कभी आप संभाल रहे हो तो भी हम लोग लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है उसमें आप देखेंगे उसमें मुनाफा बड़ा अच्छा हम लोगों ने कमाया है। और जहां तक अंजना जी जहां तक सवाल उठता है कि निवेश किस प्रकार से किया जा रहा है, निवेश आपने देखा होगा कि हम लोग हाईवेज में कर रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं में कर रहे हैं, हम लोग कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं, और ये सब जो निवेश है ये आम जनता के लाभ के लिए है, आम जनता को इससे बहुत बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन आप अभी भी जब आप बात कर रहे हैं तो आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 6 साल ठीक से नहीं संभाला। सर अभी तो 7 साल से आप लोग हैं ना, कांग्रेस ने दशकों तक नहीं संभाला ठीक से, अब तो 7 साल हो गए सर, आप लोग कब तक ये नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा अंजना जी, नए वाले मूवमेंट रहेंगे कि अभी नए नए आए हैं, अब आप लोग सरकार हुए दूसरा टर्म है सर। मैं बिल्कुल नहीं, एयर इंडिया का भी अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया ना सर। मैं अंजना, एयर इंडिया का भले नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना की महामारी थी, लेकिन हम एयर इंडिया की जिक्र ना करें, हम इतने सारे और जो हम लोगों ने काम किए वो तो आप देखिए, हम कांग्रेस की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज किसी भी परिवार के पास आप जाएं, उनके पास पक्का घर है, उनके पास सड़क है, उनके पास पानी है, उनके पास बिजली है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास शौचालय है, उनके पास बैंक का खाता है। ये सब तो हम लोगों ने पिछले 6-7 साल में हम लोगों ने करके दिखाया है ना, जमीनी तौर पर हम लोगों ने ये सब काम किए हैं। और आगे के समय और इस बजट में भी इसकी बहुत लंबी तरीके से इसकी जिक्र की गई है कि हम लोग हर नल में हम लोग जल देने वाले हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो या आप शहरी क्षेत्र में हो, हर नल को हम लोग जल देने वाले हैं। ये कितनी बड़ी एक ये कामयाबी होगी, कितना बड़ा हम लोग इसके द्वारा सचिन जी, ये काम बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था। जो हम लोग स्वास्थ्य सेवा में करने वाले सचिन जी, स्वास्थ्य सेवा में ये स्वच्छता मिशन जो आज चलाना पड़ रहा है, जल जीवन की हर घर में टैप से पानी आए, ठीक है आ रही हूँ सर मैं, हेल्थ वाले सेक्टर पर भी आ रही हूँ, लेकिन सचिन जी ये काम पहले नहीं हो जाना चाहिए था। जो बिजली अब जाकर अभी भी जाकर कई गांवों में अब जाकर वो पूरी तरह से हुआ है, जल जीवन नल से पानी अभी तक इंडिया में आजादी के इतने दशकों बाद नहीं, ये काम पहले नहीं होना चाहिए था सर। तो आप ऐसा मत भूलिए मत, जब देश आजाद हुआ था सुविनी बनती थी यहाँ पे, इन 60-65 सालों में जो हुआ उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 95% गांव तक बिजली पहुंची है, वो अपने आप पहुंची है क्या? जो बाकी 5% बचे थे वो अच्छा किया, मैं कहूँ पहुंचनी चाहिए थी, बहुत पहले पहुंच जाती। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ, बाकी चीज भूल जाइए, शौचालय मकान घर को, आज कोरोना महामारी चल रही है तो जो वैक्सीन है क्यों नहीं ये वैक्सीन सरकार फ्री अपने नागरिकों को उपलब्ध कराती, जो बाकी देश के लोग कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। तो ये आम आदमी का जापने का बजाय आप धरातल पर काम करके दिखाइए ना। और ये बोलना फिर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भाई 7 साल से तो आप सरकार चला ही रहे हैं। और आपने पहले कहा कि हम 100 रुपए लगाते हैं तो 200 में बेचते हैं, अगर मुनाफा है तो क्यों बेच रहे हो उसको भाई? अगर मुनाफा है तो बेचो मत ना उसको, आप और इनकम करिए। और अगर घाटा तो फिर सरकार का पैसा लगा फिर निजी हाथ में चला गया।
तो इतना आसान नहीं जितना सिन्हा साहब बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भाजपा में एक बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, इसलिए इन जैसे कुछ और लोग सरकार में बैठेंगे तो हो सकता है कुछ और अच्छे काम कर सकती है सरकार, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इनको मौका मिलेगा, अगर अभी तक नहीं मिला है तो सिन्हा जी को। देखिए जो मुनाफा हम लोग कमाते हैं उसमें हम लोग उसके जनहित में उसका उपयोग और मुस्कुरा भी रहे हैं आपकी बातों पर, सदुपयोग होना चाहिए। अंजना जी देखिए सरकार जो है जब वो किसी एसेट को या किसी रोड एयरपोर्ट हाईवे या इस कोई भी चीज को अगर बेचती है तो जैसे मैंने कहा जो फिर आपको पैसे मिलते हैं वो आप जनता के लाभ में उसका उपयोग कर सकते हैं, जनहित में उसका उपयोग हो सकता है और आप फिर नए और इंफ्रास्ट्रक्चर के आप एसेट्स बना सकते हैं। आपने अगर एक पोर्ट को बेचा, एक एयरपोर्ट को बेचा तो फिर आप तीन और एयरपोर्ट से बनवा सकते हैं, तो इसलिए इसका जो है एसेट रिसाइकलिंग वाला जो तरीका है ये विश्व भर में इसका उपयोग किया जाता है और भारत में भी इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल जयंत जी, जो सचिन जी ने पूछा था छूट गया और ये हमारे दर्शकों की भी तरफ से समझिए क्योंकि हर कोई अब वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, सरकार वैक्सीन फ्री क्यों नहीं कर देती? आखिरी सवाल। राजस्थान में इसको जरूर फ्री कर देना चाहिए। आपको मालूम ही है कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकार की अधिकतर जिम्मेवारी होती है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो मैं निवेदन करूंगा सचिन जी से कि राजस्थान की आपकी सरकार है वो आप फ्री कर दीजिए, सबको दे दीजिए। झारखंड जो मेरी हम लोगों की सरकार जो वहां जेएमएम की सरकार है, मैं जेएमएम और कांग्रेस की सरकार जो वहां बनी हुई है, मैंने उनको कई बार निवेदन किया है, विनती की है, प्रार्थना किया है कि वहां भी वैक्सीन आप निःशुल्क सबको जल्द से जल्द दिलवा दीजिए। हम लोगों की तरफ से 35,000 करोड़ तो हम लोग दे ही रहे हैं लोगों को इसके सहयोग के लिए। राज्य सरकारों को जो वैक्सीन का जो अभियान है उसको चलाना। जैन जी आप लोग बीजेपी वही करेगी जहां तो पर चुनाव होने वाले हैं। बिहार में हमारी सरकार कई योजनाओं में ऐसा लगा कि इस देश में अब पश्चिम बंगाल बीजेपी वही करेगी अंजना जी जब हमारी सरकार होगी। अगर हमारी सरकार नहीं है, राजस्थान में सरकार नहीं है, झारखंड में सरकार नहीं है तो हम कैसे करेंगे? नहीं, वो गलत बात है अंजना जी। झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है तो हम वो घोषणा कर नहीं सकते। बिहार में हमारी सरकार थी इसलिए हमने उन्हें घोषणा की। नहीं, मुझे बताओ अंजना जी, लगान आप लें, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हल्ला जी, ठीक है सचिन जी, बोल लीजिए। हाँ बोलिए सचिन जी, पूरा कर लीजिए। मैं कह रहा था कि सेस आप ले रहे हैं, टैक्स आप ले रहे हैं, लगान आप लगा रहे हैं, कमाई आप कर रहे हैं, सारा कुछ आप केंद्र सरकार ले रही है और फिर आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर कृषि भी स्टेट सब्जेक्ट है, आप क्यों कानून बना रहे हैं दिल्ली में बैठ के? अगर स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है तो कृषि भी स्टेट सब्जेक्ट है ना, आपने क्यों तीन कानून बना के किसानों को तड़पाने का काम किया है फिर? नहीं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है तो वहां भी केंद्र सरकार की कुछ तो आप लोग नहीं देंगे बेसिकली, हमें अपने आप करना, हमें मिट्टी का खुद लगाना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र है वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी है तो इसलिए हमें मिट्टी का खुद लगाना पड़ेगा। नहीं, हम लोग तो 35,000 करोड़ सचिन जी, हम लोग 35,000 करोड़ तो वैक्सीन के लिए दे ही रहे हैं, 35,000 करोड़ दिया जा रहा है, इसका पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हर साधन राज्य सरकार को दिए गए हैं, लेकिन अभियान जो है वो राज्य सरकार को चलाना है। इसी प्रकार से झारखंड में आज आपकी सरकार है, झारखंड में आप लास्ट हैं आप लोग इस काम में। हम मुझे मालूम नहीं कि राजस्थान में कहाँ है, वहां तो आप सरकार में भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वहां करवाइए जल्द से जल्द। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सरकार कह रही है बजट के दिल में गांव है, किसान है, सवाल यही है कि वाकई क्या गांव वाले किसान खुश होंगे इससे? बहरहाल इन सभी मुद्दों पर सरकार ने इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सरकार का दावा है कि विदेशी मोबाइल और विदेशी कपड़े होंगे महंगे, आत्मनिर्भर को मिलेगा बल। देखते रहिए आज तक।